फ्रेंड्स, अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में TVS की RTR ज़रूर आती है। ये TVS की जो अपाचे RTR है वो इतनी फेमस गाड़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मार्केट में ये बिकी है और इसका जवाब नहीं है। और कंपनी टाइम टू टाइम इस पर कोई ना कोई चेंजेस करती रहती है। इसका अपग्रेड मॉडल भी है जो कि और स्पोर्टी लुक में है, पर इस वाले जो इसका ट्रेडिशनल वाला यानी कि जो पहले जो आपका अपाचे RTR आता था 180 में और 160 में, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड कराया कंपनी ने। तो उसी के बारे में मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी में किए हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी कॉस्ट है, माइलेज क्या है, यानी कि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है इस गाड़ी को लेके, अपाचे का जो अपग्रेड वर्जन है 160R का, वो सारा जो आपका डाउट है वो हो जाएगा इस वीडियो में क्लियर। तो मेरे साथ एक काम करिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इसी तरह से दे रखा है जिस तरह से TVS का आपका जो पुराना वाला मॉडल था उसी तरह से इन्होंने कोई चेंजेस फ्रंट प्रोफाइल में किया नहीं है। बस इसके हेडलाइट में इसका चेंज कराया है। पहले इसमें हैलोजन बल्ब आता था लेकिन अब इसमें LED कर दिया। मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी DRL है और नीचे जो जल रहा है ये LED लाइट जल रही है। ऊपर भी इसकी हाई बीम पे LED लाइट जलेगी। मैं आपको ये भी जलाकर दिखाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से दोनों ही ये LED में लाइट्स हैं जो कि बहुत अच्छी विजिबिलिटी रात में आपको देने वाली हैं फ्रेंड्स। और LED के ऊपर जो ब्लैक कलर का वाइजर है इस गाड़ी को एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक देता है क्योंकि पहले की भी आपने जब अपाचे देखी होंगी तो उसी अपाचे में इस टाइप का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कटिंग दे दी है आपके नए वाले मॉडल में, थोड़ी सी कटिंग दी है। ये कितना शानदार लग रहा है। अब विंगर्स की बात करें तो विंगर्स में काफ़ी चेंज किया है। इसको थोड़ा पॉइंटेड और थोड़ा छोटा किया गया है। ट्रांसपेरेंट में हैलोजन विंगर दिए। मैं जलाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस टाइप से जल रहे हैं। और राइट वाला भी मैं जला के दिखाऊं, कुछ इस टाइप से जलते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इन विंकर्स की, इन इंडिकेटर्स की। फ्रेंड्स, अब मैं लेफ़्ट साइड के प्रूव की बात करूं तो ये आपका फ्यूल टैंक आ जाता है। और ये फ्यूल टैंक से कवर होकर इसके जो थोड़े से जो ईयर्स निकले हुए हैं, प्रोटेक्टर निकले हुए हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बना देते हैं इसका अपाचे का। और इसके ऊपर आ गया ये हॉर्स का लोगो जो कि TVS की एक पहचान है, ब्लैक कलर में दिया गया है। और ये स्टिकिंग की गई है रेड कलर की, जो गाड़ी है वाइट कलर के कलर में है और ये भी स्टिकिंग की गई है। और यहाँ पर एक लोगो आ जाता है RTFI, यानी कि ये जो गाड़ी है फ्यूल इंजेक्शन है, यानी कि आपको बहुत बेहतर माइलेज देगी। मैं बाद में बताऊँगा माइलेज कितना देगी। और ये ब्लैक कलर में इसका इंजन आ जाता है जो कि है आपका 160cc का। और ये आपका गियर शिफ्टिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर 5 गियर हैं, यानी कि एक नीचे की तरफ और बाकी सारे 4 ऊपर की तरफ पड़ेंगे। और सिंगल रॉड में आते हैं पीछे का, यानी कि AD से आपको गियर डालने की जरूरत है। काफ़ी अच्छा, ये मतलब काफ़ी स्पोर्टी लुक फील कराता है। ये वाला जो इसका गियर का पैटर्न है काफ़ी स्पोर्टी लुक आपको फील कराता है। फ्रेंड्स, अब ये इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक का ये पूरा इंजन का प्रोटेक्टर दिया है और TVS की रेसिंग की एक स्टिकिंग की है जो कि बहुत बेहतर लग रही है। वाइट कलर से इन्होंने जो जिस कलर का गाड़ी है उसी कलर से इन्होंने प्रोटेक्ट किया है इंजन को, और ये मड वगैरह से धूल वगैरह से बचाएगा। ये आपका आ जाता है साइड स्टैंड, काफ़ी मजबूत और प्रीमियम क्वालिटी का है। ये अपाचे की स्टिकिंग ब्लैक कलर मैटी कलर में है। इसका जो आपका बैटरी वगैरह और जो यूटिलिटी का जो पोर्शन है इसको ब्लैक कलर से कोट किया है और अपाचे की स्टिकिंग की है। और ये आ जाता है पीछे का इसका पोर्शन, इसमें भी RTR 160 का इन लोगों ने लोगो लगाया है। ये देखिए, ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। और ये छोटा सा इंडिया का मैप जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया को, ये भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है इसको गाड़ी को। अब मैं फ्रेंड बात करता हूँ इसके टायर साइज की, ब्रेकिंग की और सस्पेंशन के बारे में। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा जो उसका जो टायर है पूरी तरह से ट्यूबलेस है और अलॉय व्हील के साथ आता है। ब्लैक कलर का इसमें अलॉय व्हील दिया है। जो व्हील साइज़ है इसका 17 इंच का है और जो टायर साइज़ है वो 90x90 का है। और जो इसका जो ये डिस्क ब्रेक में भी आती है गाड़ी, ये फ्रंट डिस्क ब्रेक में है और पीछे वाले डिस्क ब्रेक में भी आती है, उसमें उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। इसका जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो 270mm का है। और पीछे के टायर की बात करूँ तो फ्रेंड्स, पीछे का जो व्हील साइज़ है वो 17 इंच में है और टायर साइज़ जो है वो 110x80 का है। और ये पीछे जो सस्पेंशन दिए हैं वो पूरे तरह से स्प्रिंग लोडेड हैं और आगे जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, यानी कि काफ़ी मजबूत हैं और आपको सच में आपको झटकों का अनुभव होने वाला नहीं है इस गाड़ी के साथ। और जब आप झटके झटके वाले रोड वगैरह पर जाएंगे तो काफ़ी बेहतर आपको सस्पेंशन ये प्रोवाइड कराने वाली है गाड़ी।
फ्रेंड्स, और एक चीज़ बता दूं, ये जो गाड़ी है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, यानी कि कंट्रोलिंग इसकी बहुत बेहतर होगी। यानी कि अगर आप स्पीड में अगर ब्रेकिंग सिस्टम लेंगे यानी ब्रेक लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको गाड़ी आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। ये लिखा हुआ है आपका सुपर मोटो ABS, मतलब देखा दे भी रखा है स्टिकी में, यानी कि सिंगल चैनल ABS में ये गाड़ी आती है। और मैं आपको अब बताता हूँ इसकी इंजन और पावर के बारे में। इसमें जो इंजन लगाया हुआ है वो कंपनी ने लगाया है, वो 160 सीसी का लगाया है। इसकी जो मैक्स पावर है वो 15.31 bhp की है, जो कि 8400 rpm जनरेट करेगी। और इसकी जो मैक्स टॉर्क पावर है फ्रेंड, यानी इसका जो पिकअप है वो 13.9 nm का टॉर्क का है फ्रेंड्स, जो कि 7000 rpm जनरेट करेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फुल पेट्रोल भरेगा, यानी कि आप जब अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे और उस गाड़ी को फुल करवाना है, तो पूरे इस टैंक में 12 लीटर आपका पेट्रोल आने वाला है। और इसका जो माइलेज होगा फ्रेंड्स, इसका जो माइलेज है वो 45 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देगी, यानी कि एक लीटर में आपकी 45 किलोमीटर भागेगी गाड़ी। और अगर आप अच्छी कंडीशन में चलाएंगे, इको मोड पर लेके चलाएंगे गाड़ी को, तो 50 तक ये आपको बहुत मतलब बहुत आराम से ये माइलेज देगी। अगर आप गाड़ी भगाने के शौकीन हैं तो ये गाड़ी कितने किलोमीटर तक भाग सकती है, 107 किलोमीटर तक कंपनी ने क्लेम किया है, ये 107 किलोमीटर तक अच्छे से भाग लेगी। और इसकी जो ग्रैब रेल है, यानी कि बैक सपोर्ट, यानी पीछे वाले पैसेंजर के लिए जो ये बैक सपोर्ट है वो ब्लैक कलर से है और मेटल में है, काफ़ी मजबूत है। अब मैं सीट की बात कर लेता हूँ, इसकी सीट जो है पूरी वही स्पोर्टी लुक में दी है एज यूजुअल, और काफ़ी बैठने में कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी फ्रेंड्स। पीछे वाला जो आपका बंदा है जो भी बैठेगा पीछे, वो भी काफ़ी कंफर्टेबलनेस में बैठेगा, देखिए उसको काफ़ी ऊंचाई का अनुभव होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी ऊंचे पे बैठा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो आपका राइडर होगा वो नीचे की तरफ बैठेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके मीटर कंसोल के बारे में। इसकी की कुछ इस टाइप से दिखाई देती है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं दिखाऊँ आपको इसकी की। अब मैं इसको इसके इग्निशन में इसकी की लगाता हूँ और ये मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन होने पे कुछ इस टाइप से दिखती है। इसमें क्या क्या इंडिकेशन आते हैं मैं बताता हूँ। ABS का आता है और माल फंक्शन का आता है, यानी कि आपकी कोई गाड़ी में खराबी आती है तो ये स्टार्ट होने पर ये लाइट अगर जलती रही 10 सेकंड के बाद तो आपकी गाड़ी में कोई ना कोई मतलब फॉल्ट है। ये आपका न्यूट्रल का आ गया, ये इस समय पेट्रोल भरने के लिए बोल रही है कि हाँ भाई पेट्रोल भरा जाएगा, इंडिकेट कर रहा है ये पेट्रोल वाला, और इंडिकेटर का बजर जल रहा है, ये लाइटिंग कर रहा है इंडिकेटर का। और मीटर में टाइमिंग आ जाता है आपका इस, और मोड्स भी दिए हुए हैं इसमें, ये देखिए मोड्स में दिखाऊं, ये इस समय गाड़ी स्पोर्ट मोड पे है, ये रेन मोड पे आ गई और ये अर्बन मोड पे आ गई। तीन मोड्स इस गाड़ी में दिए हुए हैं, उसके हिसाब से चला सकते हैं। और RPM का भी दे रखा है, किलोमीटर का दिया हुआ है कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और फ्यूल का इंडिकेटर, और साइड स्टैंड का भी छोटा सा रिमाइंडर दिया हुआ है इसमें। अब मैं साइड स्टैंड हटाऊंगा तो ये हट जाएगा, ये देखिए ये हट चुका है इसमें से, मैंने साइड स्टैंड अब मैं लगाऊंगा तो लग जाएगा। और कौन कौन से फंक्शन में दिखा देता हूँ उसमें, ये इंडिकेटर का ये सब बता दिया। और ये आपका यहाँ इस जगह पर आ जाता है आपका, मतलब अगर आप हेडलाइट को पावर मोड पर चलाएंगे यानी कि हाई बीम पर, तो ये यहाँ पर लाइट जल जाएगी। और ये आपका स्विचेस के बारे में बात कर लेता हूँ, इसमें ये पासिंग स्विच दिया हुआ है, और ये आपका हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर का, ये हॉर्न मतलब एज यूजल जो अपाचे में आते हैं डुअल जो हॉर्न है इसके, बहुत ही मतलब एक ये हॉर्न के नाम से भी ये गाड़ी जानी जाती है कि भाई अपाचे के हॉर्न बहुत शानदार हैं, तो हॉर्न बहुत शानदार हैं। और ये अलग से एक बटन दिया हुआ है मोड बटन, ये देखिए ये तीन मोड्स में आता है, स्पोर्ट मोड में चलानी है आपको, अगर रेनिंग मोड में चलानी है यानी कि बारिश वगैरह हो रही है तो उसमें भी, और अर्बन में शहर में चलानी तो उसके हिसाब से मोड दिया हुआ है। और ये आपका इंजन पावर कट ऑफ का स्विच आ जाता है, और आइडल स्विच इसमें नहीं दिया हुआ है, और ये आपका सेल्फ आ जाता है। सेल्फ बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है, एक हल्का सा प्रेस किया एकदम गाड़ी ये स्टार्ट हो गई, कुछ इस टाइप से इसका आ जाता है ये लुक। और ये थॉटल इसका भी काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, ये आपके मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी चलने में, तो मतलब बिंदास लगती है, स्पोर्टी लुक गाड़ी है। और इसको जो इसके साइड मिरर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। इसकी रबड़ निकलने की शिकायत मेरे ख्याल से बनी रहती है, इसकी रबड़ निकल गई है, चलो अब लग गई, काफ़ी शानदार क्वालिटी की मतलब गाड़ी लग रही है। अगर आप भी इस पर इसमें आना चाहते हैं तो आप शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं शोरूम का एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो कॉल करके आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो गाड़ी ये जो मैं रिव्यू कर रहा हूं गाड़ी पे, वो ग्लोबल ऑटोमोबाइल एक शोरूम है वहां पर कर रहा हूं, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है आपका, नियर एटा चुंगी और धनपुर मंडी के पास पड़ता है, GT रोड पे। तो आप इस शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो अब बात कर लेता हूं इसकी बैक प्रोफाइल की। इसकी जो बैक लाइट दी हुई है वो पूरी तरह से LED में दी हुई है फ्रेंड्स। अब मैं इसको ब्रेक लगा के दिखाता हूं आपको कि ब्रेक लगकर कैसी लगती है, देखिए ये मैंने ब्रेक जला दिए, पूरी तरह से LED में है। और इसके विंकर्स, इसके जो इंडिकेटर हैं वो हैलोजन में दिए हुए हैं, वही ट्रांसपेरेंट प्यारे से पॉइंटेड शेप में। और आपका नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए यहाँ पर एक लाइट भी दी हुई है जो कि हैलोजन में है,
ये देखिए यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह आ जाती है, और ये आपका आ जाता है रिफ्लेक्टर, और दो रिफ्लेक्टर साइड में, और ये बहुत प्यारा सा एक शेप सा चोंच सा आपका चोंच टाइप का निकाल रखा है, जो कि आपका नंबर प्लेट के ऊपर आते हैं, एक छत टाइप के छज्जा टाइप का लग रहा है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक का लग रहा है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ इसके मफलर की, यानी कि एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट वही ब्लैक कलर में कोटेड है, और इसको प्रोटेक्ट किया है एक स्टील की प्लेट से पैर रखने के लिए। जो फुट रेस्ट है ये भी काफ़ी मजबूत है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं इस गाड़ी में किक नहीं आती है, ये सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट होगी। पहले आती थी अपाचे में, लेकिन अब नहीं आती है, और कोई बात नहीं, सेल्फ भी इसका बहुत पावरफुल है, ख़राब होगा नहीं इसको, इसमें आप आ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो बेहतर गाड़ी है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सशोरूम प्राइस की। फ्रेंड्स इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है सिंगल डिस्क में, वो है 1,22,345 रुपये। अगर आपको डिस्क डबल डिस्क में लेनी है, यानी कि अगर आगे भी डिस्क और पीछे भी, वो पड़ेगी आपको 1,25,845 रुपये की। और अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है और आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो इस शोरूम पे विजिट ज़रूर करें। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और प्लस दबा दें बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी वीडियो पड़े वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। I'm gonna be a little bit.